Hi friends, today we are going to discuss about the presentation and investigation of the last stage of abdominal cancers. So last stage cancer usually presents in a very indolent way. ज़्यादातर मरीजों को पता भी नहीं चलता कि उनकी बीमारी पेट में कैंसर रूपी बीमारी चल रही है और वो लास्ट स्टेज तक बढ़ गई है. तो अमूमन ये मरीज हमारे पास आते हैं वेक डलनेस, फीवर, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, वज़न का बहुत ज़्यादा कम होना, पेट के अंदर पानी भरने की वजह से पेट का फूलना, पीलिया होना, पॉटी में खून आना और एक अजीब सी वीकनेस की सेंसेशन होना. बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स लंबे टाइम तक अगर चल रहे हों, 3-4 हफ्ते तक, तो डॉक्टर के पास जाके तुरंत हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. अब हमारे पास अगर 100 मरीज मेरे पास आते हैं पेट के कैंसर के, तो उनमें से लगभग 70-80 ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेज में निकलते हैं. ये लास्ट स्टेज कैंसर का जो डायग्नोसिस है उसे करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट मौजूद हैं. उनमें से कुछ ब्लड के टेस्ट हैं और कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जिनको जो वो भी ब्लड के टेस्ट से ही पता चलते हैं, जो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे पैनक्रियास का CA 19.9, कोलन और रेक्टम का CEA, इस तरीके से. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है अल्ट्रासाउंड पेट का. उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जैसे अगर हमें ईसोफेगस और स्टमक के कैंसर का डाउट होता है तो हम अपर GI एंडोस्कोपी करते हैं और फिर उससे बायोप्सी लेते हैं. अगर कोलन और रेक्टम के कैंसर का डाउट होता है तो हम एक कोलोनोस्कोपी, जो अगेन एक एंडोस्कोपी की जांच है पॉटी के रास्ते से, उसको करके बायोप्सी लेते हैं. ये सब डायग्नोसिस होने के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जनरली आती है CT स्कैन, जो कि हम चेस्ट और होल एब्डोमेन का करते हैं देखने के लिए कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है. MRI कुछ पेशेंट्स में करना पड़ता है पेट का. और PET CT स्कैन एक एडवांस टेस्ट है जो ये देखने के लिए हमें बताया जाता है कि हमें ये कैंसर जो मरीज़ का है ये पेट के अलावा और किन किन अंगों में फैला हुआ है, जैसे कि बोन्स में, ब्रेन में, लंग्स में. ये सारे टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इन पेशेंट्स में करने पड़ते हैं. थैंक यू.